तो दोस्तों वियतनाम में अपना आज का है दूसरा दिन और हम जा रहे हैं आज हनोई से सपा की तरफ। तो सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है जगदीश गायकवाड़ और मैं कर रहा हूँ 6 देशों की साइकिल यात्रा जो शुरू होने वाली है वियतनाम से, लेकिन उसको अभी वक्त है। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वियतनाम का नॉर्थ साइड, मतलब हमारे इंडिया में जैसे कश्मीर पंजाब जैसे नॉर्थ साइड को, वैसे ही वियतनाम में सपा नाम की जगह है जो चाइना बॉर्डर की तरफ आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप हनोई से सपा बाय बस किस प्रकार जा सकते हैं। तो स्वागत है सभी दोस्तों का। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर मेरी इन 6 देशों की यात्रा को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जर्नी मेरे हनोई टू सपा की कैसे रहेगी ये दिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने इसका टिकट कल ही बुक किया था। आज है 1 सितंबर की तारीख और 2 सितंबर वियतनाम का स्वतंत्रता दिन है, तो बहुत मुश्किल हो रही थी टिकट मिलने में। तो मैंने सोवियत टूर्स करके वहाँ से मैंने कल ही इसका बुकिंग किया था। आज अगर करता तो आज मिलता ही नहीं। तो मेरी 1:15 पे वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है। तो चलते हैं सोवियत टूर्स की तरफ और ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अभी। अगर आप वियतनाम में आते हो ना दोस्तों, तो आपको जगह जगह ये दिखाई देगा। ये देखिए फ्री बियर। मैं जिस हॉस्टल में रुका था वहाँ भी 7 से 8 बजे तक फ्री बियर थी, मतलब अनलिमिटेड। लेकिन मैंने नहीं लिया, नहीं तो आपको लगता होगा कि मैंने ली, लेकिन मैंने नहीं ली। यहाँ की साइकिल रिक्शा देखिए, हमने बांग्लादेश में देखी थी वो पीछे बिठाते, लेकिन यहाँ पे यात्रियों का सम्मान करते, राजा जैसे लगता होगा जो कोई बैठता होगा तो। और ये देखिए ये जो साइकिल है ये ऐसे चलती है, लगभग 2 जन यहाँ बैठ सकते हैं। कौन हवा है? हाउ मेनी रुपये चार्ज यू? हाउ मेनी? 200 वियतनाम। ओके ओके ओके, 1 घंटा ये घुमाएंगे और 200 वियतनामी डोंग। ओके, नाइस टू मीट यू। गाड़ी में ट्रैवल करने से पहले हम कुछ तो भी खाने को थोड़ा लेते हैं। खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन उधर आगे मुझे मालूम है गाड़ी जहाँ रोकेगी वहाँ रेट ज़्यादा होंगे, इसलिए यही से हम ये लेज वगैरह चिप्स हम खरीदते हैं। और ये चिप्स भी ले जाओ, जब आप लेते हो ना दोस्तों तो उसके ऊपर का पूरा पढ़ के लीजिए, क्योंकि ये भी इसमें भी नॉन वेज रहता है। अलग अलग चिप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये है और क्या है? व्हाट? नो, आई ट्राइ। ये देखिए अभी ये क्या है यार, ये ना हुक्का ही शायद ये। ओके थैंक यू। हमें ये सब नहीं करने भैया आके। हमें 6 देशों की यात्रा करके वापस घर जाना है, तो चल रहे हम अभी अपने ऑफिस की तरफ। एक चिप्स का पैकेट लिया है मैंने, ये 7000 डोंग, मतलब आपके 20 रुपये के लगभग ये पड़ा है। तो ये मैं आ गया साओ वियत, जो ऑपरेट करती है हनोई लाओ काय और सपा लोकाई, मतलब चाइना के बॉर्डर पे जो स्थित है वो एक जगह। तो चलते हैं अंदर अभी। ये जो ऑफिसेस रहते हैं दोस्तों ये साओ वियत के, इसमें आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। वाईफाई की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध होती है, वॉशरूम भी यहाँ अवेलेबल है, आप चाहे पानी भरना हो तो पानी भी यहाँ भर सकते हैं। मैंने वियतनाम में, मैं जब से आया हूँ वियतनाम में तब से आज तक अभी तक मैंने पानी की एक भी बोतल खरीदी नहीं की, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रुका था वहाँ भी एक्वागार्ड का पानी था और उसी वहाँ से भर के ही मैं निकलता था। अभी भी मैं निकलते समय ये दोनों वाटर बॉटल भर के मैं निकला हूँ। और जल्दी शुरू हो गया अपनी जर्नी, 10 मिनट में अभी ट्रेन अपनी बस
आने वाली है यहाँ पे। टाइम के मामले में बहुत पक्के आ रही है और बस आ गई अपनी राइट 1:15 को। ये देखिए ये बस है अभी, इस बस का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा कैसी बस है और आप ये हनोई टू सपा जाने के लिए ले सकते हैं क्या। बस तो काफी बड़ी दिख रही है ये, तो चलते हैं बस के अंदर। बस में जाने से पहले आपको आपके शूज रिमूव करना पड़ेगा और आपको एक बैग देंगे जिसमें आप आपके शूज रख सकते। तो ये है अपने सीट भाई, ये बैग तो रख दी मैंने और वॉशरूम भी है यार। तो देखिए भाई तो टॉयलेट भी है मस्त यार। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी और इस सीट में हमने हमको क्या क्या मिला है देखते हैं सीट के उस पर। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए ऐसे इस सीट पे हमें क्या क्या मिला है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये रिमोट है मेरे ख्याल से, ये जो सामने स्क्रीन लगी है हम उसके ऊपर कुछ देख सकते हैं इस रिमोट का इस्तेमाल करके। एक ब्लैंकेट मिला है हमको, इसमें बैग रखने को ऐसी जगह भी है और ये पावरफुल एसी है भाई, एकदम जोर से इसे चालू है। धीरे धीरे इसको बंद कर देता हूँ और इस प्रकार ये पूरा बस है। ये टिकट है देखिए, मैंने कल ही निकाला था ये हनोई टू सपा का 6 दिन बस का। और अपर साइड मिला है मतलब ऊपर से हम बिल्कुल नज़रों का आनंद लेके तो ये पूरी जर्नी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अभी हनोई टू सपा का ये जर्नी का वीडियो। मैं पूरा दिखाऊंगा आपको ये बस कहाँ रुकती है, कैसे कैसे एक्सपीरियंस आता है मुझे इस बस में, मुझे पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पे बने रहिए आखिर तक, आखिर में आपको बताऊँगा कि इस बस का मुझे प्राइस कितना पड़ा है। ओके तो राइट 1:30 अपनी बस निकली है अपने डेस्टिनेशन को सपा के लिए। सपा का जो अंतर है दोस्तों वो लगभग 355 किलोमीटर दूर है हनोई से सपा का, और देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचते हैं सपा। ऊपर की सीट से बैठ के ट्रैवल करने में अलग ही मजा आता है, जो ऊपर से हम देखते हैं वो अच्छा होगा। मतलब मैं कल जब वो टिकट दे रहे थे मुझे तो मैं उनको बोला कि आप नीचे का टिकट दीजिए लोअर बर्थ दीजिए, लेकिन उन्होंने उत्तर कर दिया बहुत अच्छा हुआ कि ऊपर का टिकट मिलेगा क्योंकि सारा एकदम मस्त व्यू अपने को देखने को मिलता है। तो चलो भाई अभी नींद आ रही है मुझे तो अंदर लगा लेते हैं हम ऐसे। ये देखिए पूरा पर्दा और अपना ये अभी केबिन जैसा बन गया है, तो उल्टी सोती अभी उल्टी बस सोती है।
लगभग 120 किलोमीटर का अंतर हमने पार किया है और बस हम यहाँ रुकी है। फिर खैर से अभी कुछ खाना पीना देखते हैं, चल के उतरते उतरते और देखते क्या रेट है। हमको कुछ लेने का तो है नहीं, तो देखते हैं। तो भी तो ये देखिए, ऐसे चप्पल पहन के अभी हम आ गए हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या है खाने का। बहुत बड़ा मॉल लग रहा है। यहाँ उतरने से पहले बस का नंबर ज़रूर आप ध्यान में रखें, क्योंकि सारी बसेस यहाँ सेम ही दिखती है। वो सोवियत के बहुत ज़्यादा बसेस रहती है और यहाँ बस साफ सुथरा है पूरा यार, एकदम जैसे अपने इंडिया में बसेस रुकती है बहुत कचरा वगैरह दिखता वैसा कुछ नहीं। और अलग अलग आइटम यहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं। आपको फ्रूट्स चाहिए तो फ्रूट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, मस्त है। हेलो, कुछ ज़्यादा नहीं लिया मैंने, ये पैकेट लिया, लेने का तो ही था लेकिन अच्छा दिखा। 20 का पैकेट लिया मैंने ये। और एक चीज़ दिखानी रहेगी दोस्तों, ये देखिए, अगर आप नाइट को ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे सिस्टम भी है लाइट का। वियतनाम के टिपिकल ग्रामीण जीवन शैली के गांव हमको देखने को मिल रहे हैं। हरे भरे पहाड़, ये वादियाँ, ये बड़े बड़े वियतनाम के पहाड़, ये सारे देखने को मिल रहे हैं। और हिली एरिया हमें लगना शुरू हो गया है यहाँ से। तो लगभग 40 किलोमीटर का सफर अभी भी बचा है। साढ़े 6 बज गए हैं और वियतनाम की टिमटिमाते सारी लाइटें अभी दिखाई देना शुरू हो गई। छोटे छोटे गांवों से हमारा सफर शुरू है तो हम भी अभी अपनी कैबिन के लाइट ऑन कर लेते हैं। और अभी लगभग आधे घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे सपा में। तो सपा में उतर के ही मैं कोई हॉस्टल बुक करूंगा, अच्छा सा रूम का। तो उतर गए हम अभी सपा में। अभी बस का मैं एक आखिरी चीज आपको दिखा देता हूँ। ये स्पेस देखिए आप, कितना रहता है यार इसका। मतलब मैं सोच रहा हूँ साइकिल लेके भी जा आ सकता था। ये देखिए, ये स्पेस कितना बड़ा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी साउथ बस से।
और यह यहाँ उतरते ही लोग आने लगे और होटल बुकिंग हॉस्टल बुकिंग पूछने लगे, तो मैं कोई हॉस्टल देखता हूँ और वीडियो का एंड वही करता हूँ। यहाँ पे उतरते ही मुझे ठंड लगने लगी, मतलब थोड़ा ठंडा माहौल यहाँ महसूस हो रहा है, जैसा हनोई में हम कल महसूस कर रहे थे उससे बिल्कुल ही अलग और हिल स्टेशन जैसा महसूस हो रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ का कोई भी हॉस्टल बुक नहीं किया है, तो अभी ये मोटर बाइक करके हम जा रहे हैं, कोई तो भी हॉस्टल बुक करेंगे। और हेलमेट पहन लिया, बहुत मेंटेनेंस रखते हैं यार, मतलब मुझे लग नहीं रहा है यार वियतनाम में इतना कल्चर ये होगा। फाइनली गेस्ट हाउस में पहुंच गए हमें, ये है दाइची गेस्ट हाउस, और बहुत घूमा यार, बहुत घूमा, सारे फूल यहाँ के, क्योंकि 1 सितंबर और 2 सितंबर इज हॉलीडे इन सापा। लेकिन भाई साहब ने अपने को बहुत हेल्प की और यहाँ तक लाया, ये बहुत ही ऊपर वाले साइड को आए हमने, देखिए ये जो है रास्ता ऊपर आ रहा है और नीचे है सापा, तो बहुत अभी आई एम फ्रॉम इंडिया महाराष्ट्र, अभी लगी है मुझे बहुत भूख, तो चलते हैं कुछ खाना खाते हैं यार। सुबह जो नाश्ता किया उसके बाद कुछ नहीं खाया, बस में खाली वो लिया था मैंने, वो ही खाया, अभी कुछ खा लेते। ये देखिए अभी इधर वियतनाम में भी अपना चैनल चल रहा है, इंडिया टू इंडोनेशिया का जो वीडियो मैंने फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आज डाला, वो अपने भाई देख रहे हैं। थैंक यू नाइस, बाय। तो खाना खा के दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने हॉस्टल में। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि हम हनोई से सपा किस प्रकार आ सकते हैं, और आप अगर आना चाहते हो तो उस बस का एंजॉय ज़रूर कीजिए, मतलब उस बस से आने की कोशिश कीजिए जो साओ वियतनाम का जो टूर से, वहीं से बुक कीजिए, और बेस्ट बस है यार। उस बस का जो मैंने किराया दिया था, उस बस का मुझे जो टिकट प्राइस लगा था वो था 4,20,000 डॉग, मतलब 400 जो लगभग अपने 1200-1300 रुपए के आसपास लगते, लेकिन पैसा वसूल है यार बस में, क्योंकि आराम से आ सकता है आदमी और कोई भी टेंशन नहीं बस में, स्लिप करके स्लीपर कोच बस रहती है, और पूरी मैंने आपको दिखाई है ये पूरा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए मेरे साथ ये 6 कंट्रीज़ की यात्रा जिसमें हम हैं वियतनाम में। तो कल हम करने वाले हैं वियतनाम की सबसे ऊंची का ट्रेक, जो फैंसपियंस ट्रेक है, जो कितने मीटर की हाइट पे है, 3,143 मीटर के हाइट पे। तो कल का वीडियो फैंसपियन ट्रेक के लिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।